बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिवानी घरत और मेरे साथ है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। उनकी आने वाली फिल्म मन मर्जिया की एडिटिंग चल रही है। हम अनुराग कश्यप को आसानी से एक एप्पल फैन कह सकते हैं और आज उनकी फिल्म की एडिटिंग आई मैक प्रो पर हो रही है। अनुराग, वेलकम टू टेक गुरु। थैंक यू। तो मैंने आपके ट्वीट्स में देखा है, आप आई मैक प्रो की काफ़ी तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आई मैक प्रो ने एक फिल्म मेकर की जिंदगी आसान बनाने में काफ़ी मदद की है, या फिर आने वाले दिनों में कर दी है आने वाले दिनों में और आसान कर देगी। तो एग्जैक्टली कौन से एडिटिंग टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं अपने आई मैक प्रो पे और किस तरह से आप एडिट कर रहे हैं? हम लोग फाइनल कट प्रो 10 यूज करते हैं, FCP 10। हम लोग तो FCP यूज़ करते आ रहे हैं, समझना, FCP 10 यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये पहली बार है जब आप, अगर मेरी पूरी करियर का टाइमलाइन देखेंगे तो फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने और रिलीज़ के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम था। हमने अप्रैल में शूटिंग ख़त्म की और हम सितंबर में रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो जो ईज़ है, एक फिल्म मेकर की जो सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरे को पहली बार नहीं हुई। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं, इतना सारा मटीरियल आप इकट्ठा कर रहे हो, हाँ, जब बढ़ता जाता है, पहले 5-10 दिन तो प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर जब डेटा कलेक्ट होता जाता है, उसके बाद मशीन जगह जगह हैंग करने लग जाती है, सडनली वो बीच में आ जाता है सर्कल क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं मालूम, हाँ, सडनली मशीन हैंग करने लग जाती है, फिर रीस्टार्ट करनी पड़ती है, फिर डेटा के हिसाब से कितना टाइम लगेगा रीस्टार्ट करने में उसके ऊपर डिपेंड करता है लोड करने में। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कम से कम नहीं तो 6 TB डेटा स्टोर कर सकते हैं, 3 हार्ड ड्राइव साइमल्टेनियसली काम होता है। हमें काम जो है एक्सपोर्ट करके भेजना है किसी को, आप एक्सपोर्ट पे लगा के आप वापस एडिटिंग पे आ सकते हो। इसके पहले आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ, जब एक्सपोर्टिंग होता था तो फिर वैसे बोलता सर आज एक्सपोर्ट करें, कल करें एडिटिंग काम, तो अच्छा ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। 6 दिन के अंदर वी हैड आवर फर्स्ट असेंबली ऑफ सीन्स विद इन 6 डेज, एंड दैट इज अ वेरी रेयर थिंग। फर्स्ट असेंबली मीन्स यू शिफ्टिंग थ्रू एवरी सिंगल शॉट ओवर so many days and making the first assembly in 6 days, and which is what it became like hamari film prepone hui release and hum log hamesha postpone karte hain, hum log prepone kiye, so 6 din lage aap keh rahe hain, to isse pehle jab aapne probably jab pehle jab aap movie banana aapne shuru kiya to sabse zyada samay aapko kitna laga? Maine to movie banana shuru kiya, hum log Steinbeck pe edit karte the, to hame jab pehli bar hum log online edit karna humne sab shuru kiya to life suddenly badi easy ho gayi, suddenly everything becomes much more easier and you actually can sift through and see it simultaneously. Wo bhi dheere dheere sab kuch evolve kiya hai, my thing, and we have been part of the evolution process also as a consumer of the process. So har stage pe kahin na kahin kuch na kuch problem aati hai, fir hum log feedback dete hain, cheeze improve karti hain. Finally this is one machine, matlab literally aise kehte na, pyar karne lag jata hai kisi cheez se. You, why walk in? I'm like, Rinku ji, chaliye aaiye, kaam karte hain. Aarti would come and say it, everyone. It not once has betrayed us. You know, it's like, it doesn't stop, it doesn't hang, it doesn't crash like that. Its capacity to work is so much more. You can simultaneously work on things. There's this graphic tools. So, aadhi cheez jo hum log experts ko bulate the ki yaar main aise, abhi kya hai, there's much more clarity. We can use those tools and say ki hum aisa kar rahe hain ya aisa dekh rahe hain. वो सारी चीज़ हम यहीं कर सकते हैं उनके साथ, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसमें 4K में एडिट कर सकते हो, तो जो क्वालिटी ऑफ योर फिल्म, इफ आई एम शोइंग माय एडिट टू माय प्रोड्यूसर एंड थिंग, मैं 4K में एडिट कर रहा हूँ, वो 4K में देख रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ इट इज सो एनहेंस्ड दैट यू नो इट्स अ साइकोलॉजिकल डिफरेंस इट मेक्स टू द वॉचर दैट यार ये फिल्म कैसी, ये कलर्स हैं फिल्म की, इसका एक एक कलर भी ना आपको सब कुछ स्टैंड आउट करता है। एंड more than that is you can edit 360 degrees, you can edit VR on this. To aane wale dinon mein kya hum aapse ek VR film, mere partner hai Vikram Motwani, wo VR mein puri tarah se ghuse hue hain, to wo cheez hum log figure out kar rahe hain, but that's a whole excitement of it na, ki usse VR edit kar sakte hain, acha to kyunki hum usse VR edit kar sakte hain to hum usme ghusna chahte hain, dekhna chahte hain, you can explore it na, it will allow me to make my mistakes before I understand what it will come out to. Okay. Result in. इस फिल्म का कुछ कुछ हिस्सा आपने कहा आपने एक आईफोन पे भी शूट किया है, तो एग्जैक्टली खुद के फोन पे शूट किया है, एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा है और कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, एक है छोटा, मैं आपको एक हल्का सा दिखाऊंगा, बिकॉज हमारी अनरिलीज फिल्म हम दिखा नहीं सकते,
ये देख रहे हैं आप, ये जैसा फोन पे है और इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली जो है फोन पे छोड़ के वैसे रखा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया मुंडे ने, वो फोन पे छोड़ के है और वैसा रखा है, दिस इज अनटच्ड, उस पे आर्टिफिशियली कुछ भी बाहर से हमने नहीं किया, ना लाइट किया है, और ये जो पूरा जो वॉक डाउन है ना, ये सीढ़ी के नीचे, ये ओपन में सीढ़ी नहीं है, ये रूफ के नीचे, ये क्लोज्ड है, which is not supposed to have so much light, which did not have light. ये वैसा है, look at how clearly you can see. Literally, वो वहाँ से नीचे से भाग के आ रहा है और सीढ़ी के अंदर है. So when he enters, is the only place where the light adjusts itself. See, the moment he enters, the light adjusts itself. हल्का आ रहा था, and look at this. And suddenly, the clarity. Immediately, it kind of. So, you know, एक फिल्म के सेट पर आप कई सारे आपके पास कैमराज है जो अनेबल करते हैं शूट के लिए, लेकिन एज दे से द बेस्ट कैमरा इज समथिंग दैट यू कैरी इन योर पॉकेट. क्या आप ऑन द मूव जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिला तो? नो, हम लोग ने फिल्म फुटेज, ये तो अभी आईफोन 10 है, हमने फिल्म फुटेज आईफोन 5 और 6 पे भी शूट किया. हम तो आप 10 की बात कर रहे हो, रेजोल्यूशन और अच्छा होता जा रहा है, सब अच्छा होता जा रहा है. हम तो आईफोन 5, 6 में भी शूट करते हैं, येलो बूट्स के टाइम भी हमने यूज़ किया था, हमने ब्लैक स्वान मूवी देखी उसके ट्रेन सीक्वेंसेस आईफोन पे शूट हुए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स द थिंग इज इफ यू वांट टू यूज इट एंड यू नो वेयर डू यू वांट टू यूज इट एंड हाउ टू यूज इट, इट वाज देन वी हैड टू फिगर आउट. नाउ इट्स सो पावरफुल, आई डोंट हैव टू फिगर आउट, आई कैन जस्ट सिंपली कॉन्फिडेंटली गो एंड शूट. और क्या खुद आप अपने आईफोन पर एडिट करते हैं चीजें? मैं आईफोन पर नहीं एडिट करता. ओके, आप इस पे एक बार काम करके देखो ना. ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस. थैंक यू सो मच.